जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गडेरिया है, और उसके लिए दरबान फाटक खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज पहचानती है। वह नाम ले लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता और बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है और वे उसके पीछे पीछे आती हैं, क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानती हैं। वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेंगी, बल्कि उससे भाग जाएंगी, क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज नहीं पहचानती। ईसा ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, किंतु वे नहीं समझे कि वे उनसे क्या कह रहे हैं। ईसा ने फिर उनसे कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, भेड़शाला का द्वार मैं हूं। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूं। यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चरागाह मिलेगा। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें।